नुनुडी स्थित कॉमरेड एके राय स्मृति भवन में गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस की 115वीं शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी शहीद खुदीराम बोस की तस्वीर पर माला व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बीसी के नेता सबुर गुराई ने कहा कि आज के युवाओं को खुदीराम बोस की जीवन के सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने महज 18 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहा कि आज देश के बड़े बड़े नेताओं व कारोबारियों के घरों से अरबों करोड़ों रुपए पकड़ाए जा रहे हैं। ये लोग देश के लिए दीमक है, धीरे धीरे पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। इसलिए युवाओं को खुदीराम बोस के जीवन से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चले और देश को आगे ले जाए। मौके पर सबुर गुराई, बीरेन गुराई, सोनू गुराई, आर एन घोष, शिव कुमार, बप्पा दत्ता, मोहन ठाकुर, धर्मेंद्र मलिक आजाद, रामजय महतो, विकास गोराई, परदेश सतनामे, लाल बहादुर अखड़ूदास आदि मौजूद थे। आज शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 115वां शहादत दिवस है और कॉमरेड एके राय स्मृति भवन में मनाया जा रहा है और हम लोग सभी साथी अगल बगल के जुटे हैं। एक हम लोग मूर्ति भी बनाए हैं, इस बार कुछ कारण से बैठा नहीं पाए। खुदीराम बोस का मूर्ति हम लोग बैठाएंगे कॉलोनी के मेन द्वार पर और हर साल हम लोग मनाएंगे और एक संदेश देंगे यहाँ नौजवान को कि आज जो इतना भ्रष्टाचार नेता निकल रहा व नेता लोग पास रुपया निकल रहा, सिर्फ ये शहादत का विचार को नहीं अपनाने के कारण, इनका जीवन शैली को नहीं अपनाने के कारण हम चाहेंगे कि आप नया पीढ़ी कम से कम खुदीराम बोस के जैसे देश प्रेम हो और खुदीराम बोस के जैसे नौजवान आज जो नई गुलामी ये सरकार सबको माथा में थोपा है, आज जो बेरोजगारी बढ़ा है, आज जो महंगाई बढ़ा है, आज जो तकलीफ है, आज जो हमारे देश में आजाद देश बोलते हैं लेकिन गरीब के लिए अलग कानून लागू करता है, अमीर के लिए अलग करता है, ये बात हमारा देश में है। गरीब का अलग भेदभाव किया जाता है, अमीर लोगों को अलग नजर से देखा जाता है। ये तमाम जो अभी हमारा देश में आया है सामने तमाम बुराई, इसके खिलाफ में नौजवान को जागना होगा। आए नौजवान इस ठगा हुआ महसूस कर रहा, बड़े बड़े पोस्ट लेके सब पर मैंने जो उम्र है क्रॉस कर गया, उसको नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, लोग त्रस्त है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो शहादत दे के देश को खुदीराम बोस, जो हमारा शहीद खुदीराम बोस ने आजाद कराया, वो देश का आजादी को बचाने के लिए, वो देश को हम लोग को जो बहुराष्ट्र कंपनी आ रहा तमाम जगह के कंपनी आके फिर से गुलाम बना हम लोग बनाया है और नौजवान लोग को जो मैंने बेकार बनाया है, उसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना होगा। और ये लड़ाई नौजवान शहीद खुदीराम बोस, भगत सिंह, इनका विचार से ही लड़ा जाएगा। इनका विचार से ही नई गुलामी का, नई आजादी का लड़ाई हो सकता है।